अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिर जी के। तो फ्रेंड, पाई नेटवर्क की न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे कि आजकल इसके बारे में क्या हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड, अगर आप ट्विटर को खोलें तो ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड है, तो ये पाई क्वेन की बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन पायोनियर के लिए जिन्होंने 3 साल तक इसमें मेहनत की है और उसको आखिरकार रिवार्ड मिलने वाला है। और उसके बाद टी शर्ट आई है पाकिस्तानी नाम से, वो भी आप देखकर खुश होंगे कि पाकिस्तान में भी ये अब ज़्यादा मकबूलियत पाने वाली है। और इसके अलावा मैंने तमाम बायनीर को ये पहले से भी सजेशन किया कि आप अपने पास कोइन जितने भी आपके पास हैं अपने होल्ड करके रखें, जितना टाइम अपने पास अपने कोइन रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पाई नेटवर्क ने ऑफिशियल तौर पे ख़ुद भी बताया है कि स्टॉप सेलिंग, अगर आप में से कोई भी इस तरह का काम कर रहा है बाय एंड सेल का, तो उसका अकाउंट फ्रोजन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है कि आप अपनी माइनिंग जारी रखें और जब तक ऑफिशियल तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हो जाती अपनी माइनिंग जारी रखें। और इसके अलावा फ्रेंड, मैनेट चेकलिस्ट की बात करें तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मैनेट चेकलिस्ट देख सकते हैं। 5 से 7 ऐसी वीडियो हैं जिसमें मैनेट चेकलिस्ट बिल्कुल कंप्लीट की हुई है। तो इसी तरह आप अपना क्रिएट वॉलेट भी क्रिएट करें, उसके अलावा ब्राउज़र में उसको कन्फर्म करें, अपनी केवाईसी करें। अगर आपको अभी तक केवाईसी नहीं आई तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आने वाले टाइम में आपको वो भी स्लॉट आ जाएगा। तो इस तरह आपने पेशेंट रखना है और डेली बेस पे अपनी रेफरल को, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपके साथ जो रेफरल हैं उनको भी आप केवाईसी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अपने रेफरल को अपनी केवाईसी के लिए किस तरह इन्वाइट कर सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त ये मुझसे यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि आया हमारे रेफरल ने केवाईसी की है लेकिन हमें जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो अभी तक नहीं मिला। तो आपने परेशानी की कोई बात नहीं है, कभी टीम इस पर काम कर रही है, तो इसके लिए एक न्यू फीचर ऐड होगा जिस पे हमें ये उसके सामने ये होगा कि फलां आपके पायोनियर ने केवाईसी कर दिया है, और उसके बाद उसका जो आपको बैलेंस मिलता है वो आप मेनेट में लेकर जा सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये फीचर्स होगा। उसके अलावा अंडर रिव्यू 18 जो 18 साल से कम एज के पायोनियर हैं तो उनकी केवाईसी कैसी होगी, तो उनके रिलेटेड भी पाई कवर टीम ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने अपनी कोई केवाईसी नहीं करनी जब तक हम अंडर 18 एज वाला कोई ऑप्शन नहीं लेकर आते। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई या किसी और का नाम से केवाईसी करूं, तो आप केवाईसी हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपके लिए अलग से स्लॉट आ रहे हैं अंडर 18 के अंदर अंदर, तो आपने वही आपके लिए तो आपने वही करना है। क्योंकि अगर आपने अपने नाम से अपनी एप्लीकेशन बनाई थी पाई नेटवर्क माइनिंग की और उसके बाद केवाईसी आप बड़े भाई के नाम से कर रहे हों, तो क्योंकि डेटा मैच नहीं करेगा, जब डेटा मैच नहीं करेगा तो आपके अकाउंट को फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी केवाईसी नहीं होगी तो आप अपने क्वेन जो है वो मेनेट में लेकर नहीं जा सकेंगे। तो इस तरह आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होती है तो आप अपडेट देखा करें, तो बहुत सारे रिलेटेड मैंने वीडियो तमाम के रिलेटेड बनाई हुई हैं, आप चैनल पे विज़िट करें, प्लेलिस्ट पाई नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाएं, तमाम वीडियो आपको गए बगैर मिल जाएंगी। आप गए वीडियो को देखें स्टेप बाय स्टेप, जो चीज़ आपने किया है ठीक है नहीं की उससे नेक्स्ट वाली वीडियो देखें, क्योंकि साथ साथ जब चलते रहेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे तो तब ही आपको बेनिफिट होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।